सोचो आप रात के समय अपने किचन में जाएं और तभी आपको अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हो और जब आप पलट कर देखें तो वहां पर कोई भी ना हो। मतलब समझ गए ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस जरूर किया होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम सभी ने अपने आसपास भूतों के होने का एहसास कभी ना कभी जरूर किया है और सिर्फ हम ही क्यों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस चीज को फील किया है। मतलब उनके साथ भी घटी है कभी ना कभी भूत या घटनाएं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो किससे की जाए शुरुआत, ट्रिगर्ड इंसान से ही पूछ लेते हैं। कैरी मिनाटी आई थिंक। तो ठीक है भैया, कैरी मिनाटी से ही शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये घटना है पिछले साल की, मतलब 2021 की। कैरी मिनाटी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और ऑब्वियसली कौन इनको नहीं जानता। इनका चैनल है कैरीज लाइव, जहां पर ये गेमिंग वीडियोस की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और एक रात जब ये एक हॉरर गेम खेल रहे थे तब इनके साथ घटी ऐसी घटना जिसे लाइव लाखों लोगों ने अपनी आंखों से खुद देखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैरी मिनाटी जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में जो कैरी मिनाटी की लाइट्स लगी हुई है उसका एम टूट गया। जैसे ही ये हुआ कैरी मिनाटी बहुत जोर से डर गए। देखो वैसे तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंट है, चीजें टूटती रहती हैं, लेकिन हॉरर गेम खेलते समय रात के समय आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो तो भाई कोई भी इंसान हो वो जरूर डर जाएगा। लेकिन ये घटना बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ताजा इंसिडेंट जो रात के समय कैरी के साथ उसके घर में किचन में हुआ था और कैरी मिनाटी ने खुद इस पूरे इंसिडेंट को अपने लाइव स्ट्रीम में बताया था डिटेल में। अपने किचन में, ठीक है, किचन से पहले तो मैंने उठाए एक चिप्स का पैकेट। भाई कैरी का बताने का तरीका ही बड़ा डरावना है। मैंगो शेक जो बना हुआ था, रात की बात है, स्ट्रीम के बाद की, ठीक है। मैंने ऐसे मैंगो, यही ग्लास है, इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है। और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे ही मैंने हाथ धोया ना, एकदम से शुक करके आवाज आई। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, शुक्र की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना वो लिटरली यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं, मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो, हो सकता है मैंने यही रखा हो ग्लास, बट मुझे ये शक करके आवाज आई और वो आई है, मेरे को पता आई है। मैंने लिटरली हाथ धो रहा था, मैंने साबुन लगा रखा था, मैंने साबुन भी धोया नहीं, मैं सीधे भगता हो गया कमरे में। फिर मैंने पापा के कमरे के वॉशरूम में हाथ धोए, मैं बाहर आया, भाई डर लगा कैरी भाई को। फिर मैंने देखा सामने किचन में, अब किचन में बिल्कुल हॉन्टेड वाला सीन हो गया। पता है कैसे, लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, बिकॉज एक पता नहीं लाइट का फ्यूज खराब था और साली वही ऑन कर रखी थी मैंने, वो ब्लिंक कर रही है। सामने सिंक में मैं हाथ धो रहा था तो वो पानी खुला हुआ छूट गया था, ठीक है। मैं ना, मेरे को तब पता चला कि मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। अगर ये बात इसके अंदर एक भी चीज झूठ होती है, कुछ बना रहा होता मैं बता देता, पर एक भी चीज नहीं बना रहा हूं मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है कि मेरा वहम भी हो। नहीं भाई कैरी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो देखा आपने किस तरीके से कैरी मिनाटी ने जो मैंगो शेक का ग्लास अपने टेबल पर रखा था वो अपने आप मूव हो गया। ये बात अलग है कि कैरी ने उस ग्लास को मूव होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट की आवाज जरूर सुनी। देखो आई नो कि इस टाइप के इंसिडेंट हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर होते हैं, ये बात अलग है कि कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको क्या लगता है, कैरी के साथ ये घटना घटी थी, ये मन का वहम था, या वाकई में कुछ गड़बड़ जरूर थी वहां पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इस इंसिडेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो भूत है ना, ये भी कैरी मिनाटी के फैन है। ट्रिगर्ड इंसान वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर ऑफ इंडिया। जो लोग ट्रिगर्ड इंसान के बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि भैया तुम नहीं जानते ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी है जो ट्रिगर्ड इंसान को ना जानता हो। एनीवे ट्रिगर्ड इंसान के साथ बहुत सारे हॉन्टेड इंसिडेंट हो चुके हैं, जिनमें से एक उन्होंने अपने वीडियो में शेयर किया था। काफी समय पहले की बात है, ट्रिगर्ड इंसान अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में घूम रहे थे और वही उनके अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था डिंपल। तो अपने दोस्त के साथ घूमते घूमते उनको डिंपल गार्डन के कोने में बैठकर रोती हुई दिखाई दी। तो ट्रिगर्ड इंसान और उनके दोस्त ने डिसाइड किया कि वो पास जाकर पूछते हैं कि आखिर डिंपल को हुआ क्या है, और पास जाकर जो उन्होंने देखा वो अनबिलीवेबल था। रात के बज रहे होंगे लगभग 9, और मैं और मेरा दोस्त कुणाल खाने के बाद वॉक कर रहे थे पार्क में। अब हमारे घर के सामने एक लड़की रहती थी, उसका नाम था डिंपल। हमें पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे एक रोती हुई लड़की दिखाई थी, तो हमें लगा यार ये तो डिंपल ही है, हमें लगा यार डिंपल रो रही है, तो हम उसके पास एक मूवी बन सकती है। रोती रोती लड़की हंसने लग गई और फिर एकदम से उसने अपना मुंह ऊपर करा, तब जो हमने देखा ना, मतलब एक हाफ बर्न चेहरा जो हंस रहा है
और हमारी तरफ घूर रहे। मैंने तो ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, मैं पलटा और मैं भागा। हमारी इतनी बुरी वाली फटी, कसम से हम जितनी तेज हो सकता था पार्क से बाहर भागे और अपने अपार्टमेंट के मंदिर में जाके बैठ गए। तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना इंसिडेंट था और डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ वो ट्रिगर्ड इंसान ने खुद देखा, उनके दोस्त ने देखा, तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये उनके मन का वहम हो। मतलब आप खुद सोचो कि एक लड़की जिसका आधा चेहरा जला हुआ है वो आपको देखकर हंसने लगे और आपके पीछे भागने लगे, बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। हमेशा इस तरह के इंसिडेंट इंसान के साथ तभी होते हैं जब उसने एक्सपेक्ट ना किया हो, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तब कुछ ऐसा घट जाता है जो बाद में उस इंसान को एहसास दिलाता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। एनीवे मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के लिए मैं ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब करूं और इस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान अपने साथ घटे हुए उस इंसिडेंट को आपको बताएं। तो ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब करने का प्लान अभी तो फेल हो गया, बट आई होप इन फ्यूचर में ट्रिगर्ड इंसान को अपने किसी ना किसी वीडियो में फीचर जरूर करूं। मुंबई का निकल ये एक ब्लॉगर है और इनके साथ जो घटना घटी वो कुछ कुछ वैसी है जो मेरे साथ भी घट चुकी है। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। मुंबई का निकल ब्लॉग बना रहे थे, रात के समय वो बाइक पर जा रहे थे और उनका कैमरा भी ऑन था। जाते हुए उन्हें रास्ते में एक आदमी सड़क पर चलता दिखाई दिया, बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, तो मुंबई का निकल उनके बाजू से निकल गए। लेकिन बहुत पास से निकलने की वजह से मुंबई का निकल की बाइक हल्की सी टच हो गई थी उस इंसान से, तो कहीं उनकी बाइक से उस इंसान को चोट ना लग गई हो ये सोचकर मुंबई का निकल ने अपनी बाइक आगे जाकर रोक दी और पीछे पलट देखा ताकि वो इस इंसान से बात कर सके। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। पहले तुमको लगा कि इंसान भाग गया होगा, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान पलक झपकते ही गायब हो जाए, और वो समझ गए कि वो आदमी शायद कोई भूत या कोई आत्मा थी। आपको क्या लगता है वो आदमी कहाँ गायब हो गया होगा? मतलब ये तो एपिक ही हो गया, लोग गाड़ियों से टक्कर लगने के बाद मरने के बाद भूत बनते हैं, या मुंबई का निखिल ने भूत को ही अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। गौरव कटारे एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जो मेरे साथ हो चुका है। इवन मेरे साथ एक नहीं कई हो चुके हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं सौरभ जोशी का पार्ट भी डालना चाहता था, बट जब मैंने नेट पर और यूट्यूब पर सर्च किया तो उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी ही नहीं, जबकि सौरभ जोशी बहुत सारी जगहों पर विजिट करते रहते हैं, हमेशा उनका कैमरा ऑन रहता है, व्लॉगिंग चलती रहती है, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे बिलीव था कि उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट तो जरूर हुआ होगा, बट इंटरनेट पर तो कुछ अवेलेबल ही नहीं। तो एनीवे बात करते हैं भाई मेरे साथ क्या हुआ था। काफी टाइम पहले की बात है, मैं रात के समय आ रहा था, भोपाल में मैं रहता हूँ और मैं विदिशा से अपनी बाइक से आ रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। रात को करीब 12:30 बज गए थे, हम लोगों ने एक ढाबे पर खाना खाया था, थोड़ी मस्ती की थी, उसके बाद हमने सोचा था कि चलो अब वापस लौटते हैं। तो विदिशा से भोपाल आने के रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है और वो कोई हॉन्टेड ब्रिज नहीं है, नॉर्मल सा ब्रिज है, लोग निकलते रहते हैं वहां से। तो ब्रिज आने से जस्ट पहले मेरे दोस्त ने बाइक रुकवा दी क्योंकि उसको सुसु करनी थी। मैंने बाइक सड़क के किनारे रोक दी, वो सड़क के किनारे गया और ज्यादा ही अंदर चला गया। मैंने उसे आवाज भी दी कि भाई इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इतनी रात है कौन देख रहा है, बट उसने मेरी बात नहीं मानी। रात का समय था, बहुत अंधेरा हो चुका था, तो मैंने अपनी बाइक को बंद नहीं किया, बाइक की हेडलाइट जल रही थी और मैं दोस्त का वेट कर रहा था, मेरे हाथ में मोबाइल था। और तभी मुझे लगा कि सामने से एक अंकल आ रहे हैं सफेद कुर्ता पजामा पहनकर, ब्रिज पर से चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर में चल रहे थे। लेकिन मैं उस टाइम ब्रिज की तरफ नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था उस तरफ जहां मेरा दोस्त गया था, क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी कि वो वापस आएगा भी कि नहीं। तो मैंने वो सामने आते हुए अंकल की मेरे को झलक सी दिखाई दी, तो मैंने सोचा ठीक है आ रहा होगा कोई, बट फिर तभी मुझे ध्यान आया कि रात को 1 बज चुका है और ये जो ब्रिज है ये बहुत ज्यादा दूर है सिटी से, मतलब चारों तरफ केवल घना जंगल था, अंधेरा ही अंधेरा था, तो इतनी रात में ब्रिज पर कौन टहल सकता है। जैसे ही मैंने ये सोचा मैंने तुरंत देखा, मतलब ये कुछ नैनो सेकंड्स की घटना होगी, मतलब जैसे ही मैंने उनको देखा मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने पलट कर देखा और वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने अपनी बाइक का हैंडल घुमाया ताकि लाइट मैं ब्रिज की तरफ कर सकूं, नो वन वाज देयर। और भाई उसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये बता रहा हूं ना मैं तो भी मेरे को ऐसे गूज बम्प से आ रहे हैं। और तभी पीछे से मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और भाई मुझे लगा था कि मैं वहीं मर जाऊंगा। अज्जू को मैंने नहीं मारा, मैं बिल्कुल सुधर गया हूं। उधर मतलब मैं इतना डर गया था उसके हाथ रखने पर कि आप समझ नहीं सकते। फिर फाइनली उसको मैंने बाइक पर बिठाया और हम लोगों ने वहां से जो बाइक भगाई है तो सीधे घर पर ही आकर रुके। जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर इस चीज को कभी बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल बना ही नहीं था। खैर पास्ट में घटी ये घटना मेरे एक वीडियो बनाने के काम आ गई, बहुत अच्छी बात है। कैसी लगी आपको मेरे साथ घटी घटना और बाकी यूट्यूबर्स के साथ हुए
हॉरर इंसिडेंट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसी सीरीज का एक और पार्ट देखना चाहते हो, अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट करो कि भाई किसके साथ हुई घटना को आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, जरूर इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर आएंगे। लेकिन कमेंट करने से पहले एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज इस वीडियो पर टारगेट है लाइक का 1,00,000 लाइक। मतलब अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।